हालांकि कोर्ट ने ये मैटर एक तरीके से सबमिट कर दिया है, आप अपनी तरफ से कोई कोर्ट में जाएंगी अब आगे? हाँ, मैं उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लेना चाहती हूँ जिन्होंने जिन्होंने कम्प्लेन करवाया और जिन्होंने मुझे उन लोगों ने कम्प्लेन करवाया और फेसबुक पे गंदी गंदी गालियाँ दी है, कॉलेज का नाम मेरे पिक पे नाम लिख लिख के सब जगह फैलाया गया है, गाली लिख लिख के बताया गया उसमें कि तुम्हें उठा लूंगी, तुम रांची वुमेन्स कॉलेज से हो तो तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, बहुत धमकी दी गई और गालियाँ तो बहुत दी गई है। मैंने सब सर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। प्रशासन का रवैया के खिलाफ भी आप? प्रशासन का रवैया शुरुआत में ही मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि वो बिना जांच पड़ताल के ही मुझ पे कार्रवाई की, 1-2 घंटे के अंदर चालान काट के मुझे जेल भेज दिए। हालांकि अरेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे साथ कुछ खराब रवैया नहीं किया है, जैसे कुछ मारपीट ये सब कुछ नहीं किया है, ना पूछताछ भी नहीं किया उन लोगों ने ज्यादा, लेकिन वो अरेस्ट करके सीधे हमको जेल में डाल दिए। रिचा, ये आपका कलेक्टिव डिसीजन था कुरान बांटने का या फिर आपका इंडिविजुअल डिसीजन था? ये कुरान नहीं बांटने का, या बांटने का वो कुरान हम देखिए सजा के तौर पर दिया जा रहा था, इसलिए हम सोचे कि मेरा ये धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्म में तो बराबर सम्मान होता है ना, लेकिन जब हम उस धर्म को ठेस नहीं पहुँचाए तो हम उस धर्म के प्रति को क्यों बांटे, मेरा भी अपना धर्म है, इससे मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।